हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू मंसोत्रा ऑटोज। तो भाई आज चैनल पे आ चुकी है टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर। तो भाई इसके जो हैं टेस्ट ड्राइव रिव्यू आप लोगों ने देख लिए हैं, लेकिन यहाँ पे इसका फुल ऑन रिव्यू जो है भाई वो रह गया था। तो यहाँ पे फुल ऑन रिव्यू मैं आपको देता हूँ। भाई इंडिया में लॉन्च इसका जुलाई में हो गया था, लेकिन जो ऑल इंडिया टेस्ट ड्राइव्स और बुकिंग्स थी वो तो प्री बुकिंग चल रही थी, लेकिन अब जो है ना, मतलब मेन कहते हैं ना, मेन लॉन्च टेस्ट ड्राइव के साथ बुकिंग के साथ वो अब हुआ है। तो भाई यहाँ पे ये है इसका टॉप एंड वेरियंट, माइल्ड हाइब्रिड नहीं है, फुली हाइब्रिड है। अब यहाँ पे भाई टोयोटा ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें करी है ना, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। 15 लाख से ना इसका फुल जो है ना, फुल हाइब्रिड वेरियंट वो शुरू होता है 15 लाख से। और अगर आप करते हो बात इसकी माइल्ड हाइब्रिड की, तो भाई उसका एक्स शोरूम प्राइस है 10.50 लाख एक्स शोरूम। तो यहाँ पे है टॉप एंड वेरिएंट, जो टॉप एंड वेरिएंट इसका जाता है 19 लाख 19.5 लाख, ठीक है, ऑन रोड जाता है इसका 19.5 लाख, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है यार टॉप एंड वेरिएंट में। इसमें फीचर्स की बात करता हूँ भाई, मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ भाई, टोयोटा ने ना मारुति के साथ मिलकर के जो अजूबा बनाया है ना, एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसका जो इंजन है भाई, इंजन जो है मारुति सोर्स्ड नहीं है। ये जो इंजन है ना, ये टोयोटा से मारुति सुजुकी को जा रहा है, समझ रहे हो। तो भाई ये इंजन ऐसा पहली बार हुआ है कि टोयोटा ने खुद बनाया है, ठीक है, फुल्ली हाइब्रिड इंजन, और ये टोयोटा मारुति को सोर्स कर रही है। तो सिंपल सिंपल बात करें, यहाँ पे आपको लुक्स इसकी काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट मिल जाती है, बीच में टोयोटा का लोगो मिल जाता है। उसके साथ साथ मुझे सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी है भाई, सामने जो है ना विजुअल बल को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे आपको बम्पर मिल जाता है ग्लॉस ब्लैक में। उसके साथ साथ बम्पर जो कार का कलर है वो, उसके साथ साथ यहाँ पे क्रोम का यूज भी मिल जाता है। तो ये चीज़ है मिक्सचर ऑन, मिक्सचर जो है ना टोयोटा ने मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा सही किया है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, देखो स्प्लिट है, मतलब देख रहे हो इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो स्प्लिट हैं, काफ़ी ज़्यादा सही हैं। और यहाँ पे जब आप बात करोगे भाई इसकी, तो जहाँ यहाँ पे जब आप बात करोगे ना, तो इसकी एलईडी जो लाइट्स हैं, एलईडी वो यहाँ पे जगती हैं, लेकिन यहाँ पे इस टाइम मैंने करे हैं टर्न इंडिकेटर्स ऑन। तो वहीं पे मतलब के जहाँ पे आपकी एलईडी लाइट्स ऑन होंगी, वहीं पे जो है भाई इसके एलईडी डीआरएल ऑन होंगी ना, वहीं पे जो है इसके एलईडी इंडिकेटर्स भी ऑन होंगे। तो भाई फुल ऑन एलईडी है इस गाड़ी में, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, ठीक है, एलईडी डीआरएल, उसके साथ साथ एलईडी लाइट्स। अब भाई ये एक बार मैं आपको ऑन करके बताता हूँ। तो भाई यहाँ पे ऑन करते हैं इसके हेडलैम्प्स, ऑन हो जाओ। तो भाई यहाँ पे हुए इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, वो भी एलईडी में, लो बीम पीसी में, हाई बीम पीसी में है। और उसके साथ देखो फॉग लैम्प्स भी, फॉग लैम्प्स इसमें कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, फॉग लैम्प्स की टोयोटा ने कोई भी आपको जो है भाई जगह प्रोवाइड नहीं करी है। और फ्रंट में एक चीज़ खास क्या है, यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है, उसके साथ साथ भाई 360 डिग्री कैमरा भी है क्या इसमें, जी भाई हाँ, यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है। तो ये भाई ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई यहाँ पे टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर की, ठीक है। यहाँ पे आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं यहाँ पे, ये भी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है। अगर हम साइड से बात करें तो भाई साइड से कुछ इसकी ऐसी लुक है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है ब्लैक लाइडिंग मिल जाती है। और व्हील्स की बात करें भाई, व्हील्स आपको यहाँ पे मिलते हैं 16 इंचज़ के, आई थिंक सो, यस नहीं 17 इंचज़, 215/60 R17, तो मतलब 17 इंच के जो है भाई आपको इसमें मिल जाते हैं व्हील्स। अब उसके बाद बात करता हूँ भाई, गाड़ी स्टार्ट है और अब आवाज़ सुनो, जीरो आवाज, जीरो भाई, मतलब इस टाइम जो है ना गाड़ी खड़ी है और ये हो चल रही है इस टाइम ईवी मोड में। तो एक बार इस साइड से भी मैं आपको इसकी लुक दिखा देता हूँ, तो कुछ ऐसी है इसकी लुक। अलॉय व्हील्स डुअल टोन में, मुझे अलॉय व्हील्स काफ़ी अच्छे लगे, ठीक है। चारों डिस्क ब्रेक दिए हैं भाई टोयोटा ने। मुझे सबसे अच्छी बात पता क्या लगी है, मतलब अगर आपको इतनी बड़ी विजुअल गाड़ी में जाना है ना, तो आप इसका बेस वेरिएंट भी उठा लो तो वो भी बड़ा अच्छा है, उसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड मिल जाएगा। अगर आपको माइल्ड हाइब्रिड में नहीं चाहिए, तो भाई 15 लाख में जो है टोयोटा आपको ये ऑप्शन भी दे रही है कि आप 15 लाख में जो है इसका फुल्ली हाइब्रिड वेरिएंट उठा लो। उसमें थोड़ी बहुत जो है आपको फीचर से कमी कर मतलब महसूस होगी, लेकिन फिर भी 15 लाख में एक ऐसी गाड़ी जो आपको 27 से 28 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे, तो भाई आपको और क्या चाहिए, मतलब सिटी में ना ये गाड़ी आपके लिए फुल्ली बून रहेगी। तो यहाँ पे पीछे से बात करें ना, अब देखो जो इसका डिजाइन है ना, डिजाइन आपको ऐसा ही मिलेगा, बस थोड़ी सी आपको कलर चॉइसेस जो है इनके बेस वेरिएंट में मतलब कम हो जाएंगी। यहाँ पे इसका बम्पर कुछ ऐसा है डुअल टोन में, और भाई ये ना सिल्वर, ये सिल्वर फिनिश भी नहीं है, ये ग्रे फिनिश भी नहीं है, कुछ बीच का ही निकाला है टोयोटा ने, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे आपको जो है भाई क्रोम गार्निश वगैरह आपको एक्स्ट्रा है ये एक्सेसरी नीचे वाली, लेकिन यहाँ पे क्रोम गार्निश आपको मिलेगी ही मिलेगी। और इसकी पीछे से जो एलईडी लाइट्स है ना, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा सही लगी हैं, ऊपर वॉशर डिफॉगर वगैरह, ठीक है, हाई स्टॉप माउंट लैंप, ऊपर शार्क फिन एंटीना, और उसके साथ साथ जो है ये, ठीक है, रूफ रेल्स वगैरह, तो ये तो कॉमन फीचर है, ये तो आपको मिलने ही मिलने हैं। उसके बाद मेन चीज़ क्या है भाई, सनरूफ, मतलब टोयोटा की किसी भी गाड़ी में भाई 50 लाख की जो फॉर्च्यूनर थी, ठीक है, या आप कह लो लेजेंडर थी, उसमें भी जो है भाई सनरूफ नहीं आती थी, लेकिन इस गाड़ी में अब आपको मिल रही है पेनारोमिक सनरूफ, फुल ऑन पेनारोमिक सनरूफ है यार। ये चीज़ मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। और अंदर से अगर बात करूँ तो फीचर्स से ना कहीं से भी जो है भाई टोयोटा ने या फिर मारुति आप कह लो, कहीं से भी इन्होंने कॉस्ट कटिंग नहीं करी है भाई। गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है, ईवी मोड में चल रही है,
इस टाइम पे पेट्रोल नहीं खा रही, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी है। बस यहाँ पे यार ये गलती कर दी टोयोटा ने, यहाँ पे इनको हेलोजन की जगह ना एलईडी लाइट्स देनी चाहिए थी। और भाई सनरूफ देखो आप, बहुत ज़्यादा अच्छी सनरूफ यहाँ पे दिया। यहाँ पे ऑटो IRVM ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड फीचर्स सब कुछ है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ठीक है, हर चीज़ है। अब यहाँ पे जो पावर विंडो का, बट ये देखोगे ना नॉट पावर विंडो, यहाँ पे जो इसका पावर का है ये इन्होंने दिया है ब्लू में। पहले इनका आता था यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट स्टॉप ठीक है, इंजन स्टार्ट स्टॉप। अब वो क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये है फुली हाइब्रिड। अगर आप इनका माइल्ड हाइब्रिड जो वर्जन है वो उठाओगे ना, वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा स्टार्ट स्टॉप, लेकिन यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर में है आपको पावर। अब जब जब भी ये गाड़ी आइडल में खड़ी रहेगी ना, तो यहाँ पे जब भी आप इसको देखोगे तो भाई ये AV मोड देखोगे ना, ये ऑन का ऑन ही रहने वाला है, ये नहीं चेंज होगा, मतलब ये ऑन की ऑन ही रहेगी। फिर हाई ये देख लो HUD, इसकी HUD में यहाँ पे मेरे को 0 किलोमीटर, मतलब स्पीडोमीटर शो हो रहा है और टाइम शो हो रहा है, साथ में किस गियर में गाड़ी वो शो हो रहा है। मतलब आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे कैमरे से, लेकिन मुझे दिख रहा है, ये चीज़ है। अब मैं इसके SUV स्टांस की बात करूँ ना अगर, तो बोनेट मुझे पूरा दिख रहा है यहाँ पे मेरे आई लेवल से। और फिर मैं बात करूँ यार यहाँ पे ना, आपको वेंटिलेटेड सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, देख रहे हो वेंटिलेटेड सीट्स। फिर EV मोड, ड्राइव मोड ठीक है, ड्राइव मोड इसमें आ जाते हैं, इको मोड वगैरह, पावर मोड वगैरह वो सब इसमें आ जाते हैं। और यहाँ पे ये यह है इसका ऑटोमेटिक वर्जन ठीक है, ये बस यही है। और अंदर से अगर मैं बात करूँ ना, तो क्वालिटी वाइज की अगर मैं बात करूँ तो भाई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की है। अंदर से ना गाड़ी की रैटल नहीं होगी, इतना मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी अंदर से रैटल नहीं होगी। बाहर से बिल्ड क्वालिटी कैसी है उस पर मैं कोई भी जो अभी कमेंट नहीं कर सकता हूँ, जब तक इसका क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं आती। टॉप मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, उसके साथ साथ जितने भी एडवांस सेफ्टी फीचर्स जो है टोयोटा दे सकती है वो सारे के सारे मिले हैं। सबसे मेन चीज अच्छी मुझे पता है इसकी क्या लगी है भाई, ये देख रहे हो LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा इसका LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्योंकि भाई मतलब चीज बनाई है यार टोयोटा ने, ये मेरे को बेस्ट लगी। यहाँ पे ट्विटर्स वगैरह आपको यहीं पे मिल जाते हैं ठीक है, ओरियन की साइड पे 4 स्पीकर्स तो इसमें यही है, तो 2 ट्विटर्स मैं इसमें देख पा रहा हूँ। अच्छा इसमें एक खास चीज क्या है, पीछे चलते हैं, लेग स्पेस वगैरह सब कुछ मुझे इसमें बहुत सही लगी है। आगे इस टाइम मैं बैठा हूँ ठीक है, पीछे जा रहा हूँ मैं, तो भाई लेग स्पेस वगैरह मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है, देख रहे हो नॉर्मल बहुत ज़्यादा लेग स्पेस है। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखो, यहाँ पे आपको पीछे मिल जाते हैं ये, और सबसे मेन भाई ये है सनरूफ जो है ना पैनोरामिक, जो टोयोटा से कभी नहीं किया था ना एक्सपेक्ट वो। तो यहाँ पे देखो अब पीछे बात करूँ ना, तो डोर आपको मिल रहा है 3 टोन में ब्लैक ठीक है, प्लस ये लेदराइट फिनिश है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जा रही है यहाँ पे। ये चीज़ भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा सेक्सी चीज़। तो मतलब अब ना लोगों के पास चॉइस आ गई है कि जिस प्राइस पॉइंट पे आपको क्रेटा मिल जाती थी, जिस प्राइस पॉइंट पे आपको सेल्टॉस मिल जाती थी, अब उसी प्राइस पॉइंट पे आपको एक ऐसी गाड़ी मिल जाती है भाई जो ना उनसे ज़्यादा माइलेज देती है, ड्राइवेबिलिटी उनसे भी ज़्यादा अच्छी है ठीक है, SUV स्टांस भी आपको इसमें मिल रहा है। और उसके साथ साथ बूट स्पेस दिखाता हूँ यार, बूट स्पेस तो मेन तो रह गई, तो बूट स्पेस की बात करते हैं। और यहाँ पे आपको बैटरी भी देखने को मिल जाएगी ठीक है, ये रही इसकी बूट स्पेस। तो बूट स्पेस मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है इसकी यार, बहुत ज्यादा अच्छी बूट स्पेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना टोयोटा ने एक चीज मैनेज करी है, देखो यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट मिल जाता है एक, और इसका जो अगला कंपार्टमेंट है ना यहाँ पे है इसकी EV की बैटरी। तो EV की बैटरी डालने के बाद भी इतनी ज़्यादा बूट स्पेस देना भाई, ये भी एक अपने आप में ना टैलेंट है। अब यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट भी मिल जाता है इसमें ठीक है, बेस रेट में बेंच मार्क है, लेकिन यहाँ पे देखो लाइट भी मिल जाती है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। तो ऑन एंड ऑल मैं आपको बताऊँ भाई, फील गुड फैक्टर इस गाड़ी में कूट कूट के भरा, चाहे आप इसका बेस वेरियंट लो ठीक है, फील गुड फैक्टर इसमें है ठीक है। अब आप क्रेटा पे जाते हो तो उसमें इतना कुछ इतना अच्छा फील गुड फैक्टर नहीं है, और क्रेटा में अगर आप जाओगे ना तो भाई इनके प्लास्टिक आवाज करते हैं, इसके प्लास्टिक की मुझे कहीं से भी आवाज नहीं आई है, मतलब प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूं तो काफी ज्यादा अच्छी है। तो मतलब अब आपके पास जो फील गुड फैक्टर है ना वो रहने वाला है, फील गुड फैक्टर से आप जो है आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ठीक है। एक आपको डिजाइन ऐसा मिल रहा है जो कि डिजाइन पूरा फ्रेश है ठीक है, फ्रेश लुक वाला डिजाइन है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है उस सेम प्राइस पॉइंट में। कहीं ना कहीं ये क्रेटा से, इसका बेस वेरिएंट की बात करोगे ना तो वो कहीं ना कहीं क्रेटा से भी सस्ती पड़ती है। और ऊपर से भाई सर्विस की बात करोगे तो भाई सर्विस की अगर हम बात करें, टोयोटा जानी ही अपनी सर्विस के लिए जाती है, मतलब टोयोटा की सर्विस कहीं से भी जो है कोई भी ब्रांड जो है ना इसकी इसकी सर्विस को कम्पीट नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी ऑन एंड ऑन वर्थ इट है, एक बार जाकर के टेस्ट ड्राइव लेना वर्थ इट है। और जो लोग अमृतसर से इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए नीचे मैं नंबर्स फ्लैश कर रहा हूँ टोयोटा कैसल टोयोटा के, आप लोग जाकर के ना वहाँ से टेस्ट ड्राइव भी जो है डिमांड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वैसा कुछ भी नहीं है, कोई भी डीलरशिप आपसे जो है टेस्ट ड्राइव के लिए कभी भी मना नहीं करेगी। तो भाई ये था ठीक है टोयोटा क्रूजर ठीक है, अर्बन क्रूजर हाई राइडर का एक छोटा सा रिव्यू, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। इसके अब जितने भी वेरिएंट्स हैं उसका उनका रिव्यू भी मैं अपने चैनल पे बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।